ये जो देश है, जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन करता है, जो जिसके पास स्किल है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मैकेनिक हो, चाहे वो बड़ई हो, मोची हो, नाई हो, जो भी हो, जिसके पास स्किल है, सबसे पहले उसकी मदद नहीं करते हैं, तो दूसरी बात उसकी स्किल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, और उसको मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको मार मार के उससे निकाल देते हैं, और बिना स्किल के रिस्पेक्ट किए ये देश कभी अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। सिंपल बात, ये जो यात्रा है जिसको मैंने नदी भी कहा है, ये एक जीवित चीज है, इसकी एक आवाज है, इसकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, और ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, तो ये यात्रा हमें ये चीजें बता रही है, तो मुझे एज ए इंडिविजुअल काफी सीखने को मिला, और मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं जो भी हमारे साथ आए, आप लोग में से बहुत लोग आए, और खास तौर से जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, मेरे जो आरएसएस के बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है, तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए, वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं।